पड़ाव पर पहुंच चुका है। 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं और फिर 19 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला 15 नवंबर को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। क्रिकेट के गलियारों में फिलहाल इसी मैच को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। किसी का कहना है कि लगातार 9 मैच जीतने वाली टीम इंडिया खिताबी जीत की फेवरेट है, तो कोई कह रहा है कि इस बार भी न्यूजीलैंड भारत को हराकर सरप्राइज करने वाला है। आपको याद दिला दें कि 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था। ये मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में हुआ था, जहां पर केवी टीम ने रिजर्व डे पर भारत को 18 रनों से हराकर धूल चटाई थी। हालांकि इस बार समीकरण काफी अलग है और टीम इंडिया अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है। वैसे इस मैच से पहले जब केन विलियमसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया तो उनसे भारतीय टीम के बारे में सवाल किया गया। खास तौर पर जब केन विलियमसन से सूर्य कुमार यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने बयान में कहा, वो एक महान खिलाड़ी हैं, एक शानदार स्ट्रोक मेकर हैं, वे वानखेड़े स्टेडियम को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं। केन विलियमसन ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका फोकस फिलहाल अच्छा क्रिकेट खेलने पर है। वैसे अगर सूर्य कुमार यादव की बात की जाए तो इस वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ठीक ठाक लय में नजर आए हैं। सूर्य को 5 मैचों में खेलने का मौका मिला है और इस दौरान उन्होंने करीब करीब 22 की औसत से 87 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनके बल्ले से 47 गेंदों पर 49 रनों की शानदार पारी देखने को मिली थी। नीदरलैंड्स के खिलाफ वह एक गेंद पर 2 रन ही बना सके थे, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने 14 गेंदों पर डेथ ओवर्स में 22 रनों की तेज पारी खेली थी। सूर्य को भले ही मौजूदा वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी का ज्यादा मौका ना मिल सका हो, लेकिन डेथ ओवर्स में वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेट का स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन मौका मिलने पर इन्होंने वनडे में भी अपनी छाप छोड़ी है। इस साल वनडे की 18 पारियों में सूर्य कुमार यादव 23.13 की औसत से 370 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 250 प्लस स्कोर भी देखने को मिले। वैसे सूर्य कुमार यादव का प्लेइंग 11 में खेलना बहुत हद तक तय भी है। टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ओपनिंग की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर रहेगी, जबकि नंबर 3 पर पूर्व कप्तान विराट कोहली नजर आने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और विकेट कीपर की भूमिका में KL राहुल होंगे। इसके बाद फिनिशर सूर्य कुमार यादव, जबकि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव टीम में स्पिनर की भूमिका में नजर आएंगे। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को देखा जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, सेमीफाइनल में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से कितने रन निकलने वाले हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को